राम राम बलराम भाई। आपने फिर ये जो फील्ड है उसमें पानी पिला दिया, पानी पिलाने के बाद वो सन डाला था, वो सन भी जर्मिनेशन हो गया है उसका भी, और ऐसे 3 ड्रिप डाली है। ये जो लाइन आएगी उस पर पपीता आएगा, जहाँ पे वो लकड़ी है वहाँ पे सब जगह पपीता आएगा। ये सन जो है वो धूप से बचने के लिए मैंने डाली है, और बाद में बड़ी हो जाएगी थोड़ी तो उसको काट के मल्चिंग के रूप में ले लेंगे। पूरा बेड जो है ये साइड से लेके ये साइड तक पूरा मल्चिंग हो जाएगा, अपना बायोमास मल्चिंग। और बीच की जो ये नाली है वो अभी थोड़ी गहरी हो जाएगी और भी जुटाई करके, वो मेरे पास छोटा ट्रैक्टर है मिनी, उससे जुटाई करके उसको थोड़ी अभी मिट्टी और निकाल के बेड पे डाल देंगे थोड़ी थोड़ी जगह पे। ऐसे 3-3 पाइप डाली है ड्रिप की, देखो आप। और सन अभी 4 दिन की हुई है, बड़ी हो जाएगी अभी 10-12 दिन की हो जाएगी, तभी पपीता का प्लांटेशन मैं कर दूंगा उसमें। ऐसी फील्ड तैयार हुई है बलराम भाई, आप देख सकते हो सन जर्मिनेशन हो रहा है। ये नाली से